तो दोस्तों आज हम बात करना वाले कि न्यू एक्विटी बैंक का अगर अपना सिग्नेचर अपडेट करवाना चाहते हो तो किस तरीके से आप ऑनलाइन सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों अगर आपने न्यू ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किया है और आपका सिग्नेचर रिकॉर्ड नहीं है, फिर अगर आपने दोस्तों ऑनलाइन बैंक चेकबुक के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा सिग्नेचर रिकॉर्ड ना होने के कारण। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपका आ सकती है अगर आपका सिग्नेचर रिकॉर्ड नहीं है तो। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आप न्यूयॉर्क बैंक का अगर आप बैंक चेकबुक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो उस वीडियो के साथ साथ दोस्तों मैंने भी यहां पे अप्लाई कर चुका था। तो लेकिन दोस्तों यहां पे मेरा बैंक का सिग्नेचर रिकॉर्ड ना होने के कारण हमारा जो कि रिजेक्ट हो गया था, यानी कि अप्लाई नहीं हो रहा था। यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से एरर शो हो रहा था। तो अगर आप न्यूयॉर्क बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किया है तो ऐसे भी होता है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने के बाद ऐसा भी होता है कि जो कि सिग्नेचर जो कि रिकॉर्ड नहीं होता है, तो दोबारा से हमको सिग्नेचर रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो आपका अगर सिग्नेचर रिकॉर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे चेकबुक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट हो जाएगा जब तक आप यहाँ पे सिग्नेचर को अपडेट नहीं करते हैं। तो अगर आपका सिग्नेचर अपडेट है तो आराम से यहाँ पे चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरीके से आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑलरेडी वीडियो से, इस वीडियो को आप देख के चेकबुक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपना सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, कि जब तक अपना सिग्नेचर अपडेट नहीं हो तब तक आप यहाँ पे चेकबुक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, चलो देखते हैं सारा प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्विटी बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे अपना इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा होगा, ऊपर में आपको 3 लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ अपना जो कि सर्विस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाएगा जो कि आप किसका सर्विस लेना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे वीडियो असिस्टेंट सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे नीचे पे जाएंगे, नीचे पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपडेट एंड सिग्नेचर, यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि सिग्नेचर चेंज रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पे सिग्नेचर चेंज रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से प्लीज सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आईडी आप यहाँ पे डालना चाहते हो इसके लिए अपडेट करने के लिए। जैसे कि आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या फिर पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर पासपोर्ट दे सकते हो। तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे चूज हो चुका है। आप दोस्तों यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। चूज योर फाइल, तो यहाँ पे आप चूज योर फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से अपना आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका फाइल पे है, फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे फाइल पे है, हम यहाँ पे फाइल पे जाके फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस फोटो को जो कि है मेरे पैन कार्ड की फोटो। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये एरर, ये प्रॉब्लम दोस्तों आपका जो कि फोटो का MB ज़्यादा होने के कारण ये एरर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 MB से कम का फोटो अगर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और यहाँ पे प्रीसेट वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इनिशिएट एंड वीडियो कॉल, आपको दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आपको वीडियो कॉल के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वीडियो कॉल पे अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे 2 या फिर 3 दिन के बीच में अपना जो कि अप्रूव हो जाएगा और सिग्नेचर अपना जो कि अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर अप्रूव करने के लिए वीडियो कॉल का आप वेरीफाई कर लेंगे तो अपना जो कि सिग्नेचर अपडेट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन सिग्नेचर अपडेट करवाना चाहते हो तो किस तरीके से आप ऑनलाइन सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, सारा डिटेल्स डाल के। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय।